सचिन पायलट का भी दौसा में काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि वो अलदौर जाते टाइम यहाँ 3-4 मीटिंग कर गए थे और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आया, ऊर्जा आई और मिलकर काम किया। ऐसा दौसा तो शुरू से राजनीति गढ़ रहा है, चाहे पंडित नलसोरी शर्मा रहे हों, चाहे राजेश पायलट जी रहे हों, चाहे सचिन पायलट जी रहे हों, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए खुशी की बात है दौसा वालों के लिए। दौसा पर देश की नज़र रहती है, हमारे लिए गर्व की बात है, रहनी चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र जिले के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबने मन लगा के काम किया, और जब मैं समझता हूँ कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते तो निश्चित ही सफलता मिलती है। डीजल के भाव 100 के आसपास हो गए, क्रॉस कर गए, गैस का सिलेंडर 900 का हो गया, इन सारी बातों को कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुँचाई और उसी का परिणाम रहा अब पूरे पूरे हमारे बहुत भारी बहुमत कांग्रेस को मिला। आपकी जीत जो हुई इसको लेकर बताओ। देखो, जीत में सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र जिले के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबने मन लगा के काम किया, और जब मैं समझता हूँ कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते तो निश्चित ही सफलता मिलती है। साथ साथ में बीजेपी ने जो 7 साल के अंदर जिस तरह से की अराजकता पूरे देश के अंदर फैलाई है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, प्राइवेटलाइजेशन कर रहे हैं, किसानों को 3 काले कानून जिनका पूरी जनता विरोध कर रही थी वो वापस नहीं लिए, महंगाई चरम पे थी, डीजल के भाव 100 के आसपास हो गए, क्रॉस कर गए, गैस का सिलेंडर 900 का हो गया, इन सारी बातों को कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुंचाई और उसी का परिणाम रहा अब पूरे पूरे हमारे बहुत भारी बहुमत कांग्रेस को मिला। और मैं समझता हूँ कि हमारे 11 प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा, और लोगों में बड़ा जोश था। जो कुछ निर्दलीय हमारे साथी हमारी पार्टी के थे अधिकतर, वो लड़ गए थे कि वो टिकट एक को मिलता है, तो उनका भी मुझे खुशी इस बात की कि सब के सब बिना शर्त बिना कंडीशन वापस अपने घर आ गए। ऐसा राजनीति में प्रतिद्वंदता होना होनी चाहिए, अच्छी बात है, प्रतिद्वंदता सब में रहती है, अंतर कल हमारी पार्टी में नहीं है, बीजेपी खुद के गुरुवाणों में जाकर उनके 5-5-6 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब जनता नाराज होती है तो इन बात ये सारी बातें नज़रअंदाज हो जाती है, जनता बीजेपी से नाराज थी। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला हो, क्या करते क्या नहीं करते, नहीं मैं बोल रहा हूँ जनता जब उनकी कार्यप्रणाली से नाराज है तो उसमें न तो कोई बीच में वसुंधरा आती, न गजेंद्र सिंह जी आते, न पूनिया जी आती, जनता की भावना हमारे प्रति है, कांग्रेस गरीबों को किसानों की पार्टी है, गाँव की सरकार है। सचिन पायलट का कितना योगदान रहा? सचिन पायलट का भी दौसा में काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि वो अलदौर जाते टाइम यहाँ 3-4 मीटिंग कर गए थे और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आया, ऊर्जा आई और मिलकर काम किया। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की 7 सीटें आई है जिला नहीं, ऐसा जहाँ पे बीएसपी की सीटें आई हैं वहाँ पे ऑलरेडी बीएसपी का थोड़ा बेस है, मैं स्वयं भी वहाँ से बीएसपी से पहले विधायक बना और वहाँ पे बीएसपी कुछ कार्यकर्ता है, उन्होंने मेहनत करी होगी, जीत गए होंगे। दौसा चुनाव पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक की नजर। ऐसा दौसा तो शुरू से राजनीति गढ़ रहा है, चाहे पंडित नलसोरी शर्मा रहे हों, चाहे राजेश पायलट जी रहे हों, चाहे सचिन पायलट जी रहे हों, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए खुशी की बात है दौसा वालों के लिए, दौसा पर देश की नज़र रहती है, हमारे लिए गर्व की बात है, रहनी चाहिए।